बेटा अब्दुल्ला, मैं अपनी बेटी के लिए माफी मांगती हूँ। मामी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि उमायमा की सॉरी उसको रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकती। आई कांट इमेजिन उमायमा इतनी मैच्योर निकलेगी। नहीं बेटा, वो नासमझ नहीं है, वो बस तुम्हारे बारे में ना पोसेसिव है। उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुमने उसको वही तोहफा दिया जो तुमने मारियो को दिया। मामी, फ्यूचर में भी ऐसा बहुत बार होगा। मैं अम्मी के लिए और उमायमा के लिए एक ही जैसी चीजें लाऊंगा तो क्या हर दफा एग्जैक्टली ऐसे रिएक्ट करेगी? अरे नहीं बेटा, रजिया अप्पा तो उसकी फूफो है, बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे। मामी, अगर उमायमा वाकई में अम्मी से मोहब्बत करती होती तो मेरी गैर मौजूदगी में वो अम्मी का ख्याल रखती, कॉल करती उन्हें, मिलने जाती उनसे। वो तो जाती है और फोन भी करती है। मामी, अगर ऐसा होता ना तो इस वक्त उमायमा को पता होता कि अम्मी की तबीयत कितनी खराब है। मारिया की जगह उमायमा को होना चाहिए था अम्मी के पास। मैं ऑलरेडी उमायमा को बता चुका हूँ कि मुझे किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहिए। मामी, अब अगर उसे समझ नहीं आ रही ना तो प्लीज आप उसको बता दें साफ साफ कि मैं बार बार एक ही तरह की गलती करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। ये कहा है आपसे अब्दुल्ला ने? हाँ, नाराज है तुमसे, और तुम्हारी सफाई में कहने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। बहुत तुम हो रजिया आपा की, और खिदमत कौन कर रहा है उनकी? मारिया। तुमने तो एक गिफ्ट को बुनियाद रखे अपने और अब्दुल्ला के बीच एक लकीर खींच दी है। ये मारिया, मारिया नफरत हो गई मुझे इस नाम से। मामा है वो कुछ नहीं, लेकिन हर चीज में आगे निकल जाती है। पहले बाबा पप्पू और सैफ की नजरों में वो अच्छी बनती थी, अब अब्दुल्ला की नजरों में भी अच्छी बन रही है। मामा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई नो कि मेरे बिहेवियर में मसला था, बट मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। आई रियली लव हिम, और मैं उसको खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पे। आई कांट लूज हिम। बेटा, ना अपसेट नहीं हो, हम अभी रजिया आपा की तरफ चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस अपसेट नहीं होना।